फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मर्चेंट रेसिपी चैनल। आज हम चाटा के दाल पानी पूरी बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले हम मीठा पानी बनाएंगे। तो मैं इसमें 2 ग्लास जितना पानी डाल देती हूँ। ये देखिए, 2 ग्लास जितना पानी डाला, उसमें डालती हूँ 1 कटोरी भर के शक्कर और 4 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। मैं आमचूर पाउडर से बना रही हूँ, ना कि आमली से। तो इसका भी टेस्ट आप देखिए एकदम गजब का आता है। तो इसे हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें उबालना है। एकदम बढ़िया सा टेस्ट देता है और इसे आप स्टोर कर सकते हो। मैं वापस थोड़ा पानी डालती हूँ। ये देखिए, अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। तो चलते हैं गैस की तरफ। ये जैसे उबलेगा वैसे शक्कर भी हमारी मेल्ट हो जाएगी और ये जो आमचूर के छोटे छोटे पीसेस जैसे दिख रहे हैं ना, वो भी मेल्ट हो जाएंगे। हमें जैसे जैसे चलाएंगे वैसे ये मेल्ट हो जाएंगे। तो चलो हम चलते हैं अभी गैस की तरफ। देखिए, इसे मीडियम आंच पे हम कर रहे हैं। अभी इसे हम चलाते जाएंगे क्योंकि हमने इसमें शक्कर डाली है, शक्कर मेल्ट होनी चाहिए। ये देखिए, इसे हमें इस तरह से चलाएंगे और इसे हम एक उबाल आने देते हैं। इसमें और थोड़ा सा मैं आमचूर पाउडर डालूँ, थोड़ा मुझे खट्टा चाहिए। अभी जो हमने दूसरी बार डाला था तो वो भी इसमें हमने अच्छी तरह से मिला दिया। अभी इसे हम उबाल आने देते हैं। देखिए, ये उबलना स्टार्ट हो गया। तो इसमें डालते हैं नमक, सादा नमक, काला नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये ऊपर आ रहा है ना। पहले मैं अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद वापस मैं गैस चालू करूँगी। और इसमें से मैंने थोड़ा निकाल दिया था, वो ऊपर आ रहा था, बाद में मैं इसमें भी डालूंगी। अभी इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखो, जैसे उबलेगा ना तो वैसे ये बढ़िया सा बनेगा। पहले हम मिला देते हैं अच्छी तरह से। ये चटनी और भी बढ़िया से टेस्टी लगती है। अभी गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। अभी देखिए, इस तरह से हमने पूरा इसमें डाल दिया है। तो अभी इसे स्लो आँच पर हम उबलने देते हैं और ये थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं ये जो ये भी उबला हुआ है तो बाद में मैं ऐड कर दूँगी। अभी इसे स्लो आँच पे उबलने देते हैं। तब तक हम बनाते हैं पानी पूरी वाला तीखा पानी। अभी इसे हम इस तरह से ही छोड़ देंगे, ये धीरे धीरे करके अच्छी तरह से उबल जाएगा। देखिए, पानी पूरी बनाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च ली है, 1/2 इंच अदरक और ये 1 कटोरी भर के धनिया। इसे पहले मैं थोड़ा पीस लेती हूँ। अभी देखिए, इसे अदकसरा हमने बना दिया है। इसमें डालते हैं पानी पूरी मसाला और डालते हैं चिल्ड पानी, या फिर आप आइस क्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी वापस इसे हम मिक्सी में पीस लेते हैं। अभी देखिए, ये इस तरह से बना दिया है। तो हम अभी वो चटनी भी देख लेते हैं। ये देखो, मीठा पानी भी हमारा हो गया है। तो गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और जो हमने बचा के रखा था वो भी हम डाल लेते हैं और इसे हम चला लेते हैं। देखिए, एकदम बढ़िया सी बन गई है। तो अभी हम वापस चलते हैं, हमें जो तीखा पानी बनाना है ना उस पर। अभी इस तरह से बनाते हैं। तो इसमें डालते हैं चिल पानी। देखिए, ढक्कन को जो लगा है, ये देखिए, इसे भी हम धो लेते हैं चिल पानी से। तो पूरा जो मसाला है वो हमें परफेक्ट मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अभी इसे हम एक बड़े इसमें ट्रांसफर करते हैं। इसमें और मैं थोड़ा पानी डालूंगी। ये देखिए,
देखिए इस तरह से हमने ले लिया है, तो पर मैं इसे छान लेती हूँ, पहले मिला लेते हैं, तो अगर बड़े पीस होंगे तो निकल जाएंगे। पूरा अच्छी तरह से हम छान लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा बन के रेडी हो जाए। इसमें डालते हैं आइसक्यूब। ये देखिए हमारा तीखा तीखा पानी तैयार हो गया है। अभी इसे हम साइड पर रखते हैं, थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए हमने अभी बनाया है ये, लेकिन ये बहुत ही गर्म है, तो इसके पहले मैंने इस तरह से बना के रखा था। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया, सेम है वही मेथड है, तो मैं इसे साड़ी पर रखती हूँ। अभी हमें मसाला करना है, तो मैंने ये आलू पहले ही बॉईल करके रखे थे। ये देखिए इसे अच्छी तरह से मैं कर देती हूँ। मैंने 3 आलू लिए हैं और ये दिया है देसी चना, इसे 8 घंटे भिगो के फिर इसे बॉईल कर लिया। ये देखिए नमक डाल के, तो ये भी हम ले लेंगे और इसमें मिक्स करते हैं। ये इस तरह से मसाला बना के रखें तो खाने में मज़ा आता है। अभी इसमें डालेंगे काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से इसमें मैं सेव भी डाल देती हूँ। अभी करते हैं इसे अच्छे तरह से मिक्स। अभी देखिए इस तरह से मैंने पानी पूरी के ये पानी पूरी भी ले ली है। अभी इसे बीच में से तोड़ना है। ये देखिए एकदम आसानी से तोड़ जाएगी। इस तरह से मैं तोड़ लेती हूँ, फिर आपको बता दूँ। अभी देखिए इसमें हम मसाला भरेंगे। साथ में सेव, इसे साइड पर रखते हैं और एक पत्ता लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ, इसके बाद मैं फिर से बताऊँगी। लीजिए हमारी इस तरह से पानी पूरी रेडी हो गई। देखिए कितनी बढ़िया से लग रही है। ये देखिए एकदम प्यारी प्यारी लग रही है। अब इसके साथ मैंने 2 ली है इसमें डालते हैं तीखा पानी। और दूसरे में डालते हैं मीठा पानी। देखिए ये बनाए के तुरंत खानी चाहिए तो ये टूट जाती है। अभी देखिए ये पैरी से हमारी पानी पूरी बन गई है। ज़बरदस्त खाने में एकदम दमदार जवाब। एक बार खाना स्टार्ट करोगे तो हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और जो लास्ट में जो खाने के बाद जो देते हैं ना, ये पूरी इस तरह से तोड़ देते हैं। उसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ी सी सेव।
ये देखिए इस तरह से लास्ट में चूरा देते हैं। तो इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। और इस तरह से बना के देखिए, एकदम गजब की बनती है और टेस्टी भी बनती है। दो तीन दिन आप इजीली खा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों चटनी कभी ख़राब नहीं होती है। तो आप इस तरह से भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसी तरह से जरूर बना के देखिए। धन्यवाद।